हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो सबको पता है, अभी नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि में लोग सारे फास्टिंग करते हैं। आज मैं फास्टिंग के लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ, जैसे कि आप खा सकते हैं अच्छे से और वो टेस्टी भी होता है। और वो है आलू पूरी। उसको बनाने के लिए हमें 4 आलू मैंने लिया है बॉईल किया हुआ। और उसको बॉईल करने के बाद मैंने क्या किया, बॉईल होने के बाद मैंने उसका छिलका निकाल दिया और इसी में मैंने उसको ग्रेट कर दिया है। ये देखिए, ग्रेट होने के बाद इस तरह हो जाता है। देखिए, इसमें हम सारे मसाला डालेंगे आलू पूरी बनाने के लिए। हम इसमें क्या क्या डालेंगे, हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डालेंगे और देखो 2-3 हरी मिर्ची है जो मैंने अच्छी तरह से उसको कट किया है, और ये है धनिया पत्ता जो उसको भी कट किया है। और उसमें थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ जो मुझे पसंद है, आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें सिंधा नमक डालेंगे, क्योंकि फास्टिंग में तो सिंधा नमक यूज़ किया जाता है। तो हम इसमें सिंधा नमक टेस्ट के हिसाब से डालें, आप जिस जैसे क्वांटिटी में लेते हैं तो उसी के हिसाब आप डालिए। ये देखिए, मैं इतना नमक ले रही हूँ और थोड़ी सी ले रही हूँ। बस इसमें डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको देखिए, इस तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम आटा डालेंगे। मैंने 4 आलू लिया है और मैं इसमें, ये देखिए, मैंने इस तरह की कटोरी में 2 कटोरी आटा ले रही हूँ। मैंने 2 कटोरी आटा ले लिया है। अब हम इसको हाथ से ही गूंदेंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। पानी लगेगा तो हमें पानी चाहिए तो तभी डालेंगे, नहीं तो ऐसे बिल्कुल नहीं डालेंगे। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा मुझे पानी चाहिए तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ। अब देखिए, आटा गूंद के तैयार हो गया है और देखिए वो ज़्यादा पानी नहीं है और ज़्यादा टाइट भी नहीं है। और एक बात का ध्यान रखिए, इसको कभी भी पहले से गूंद के नहीं रखना, क्योंकि इसमें नमक डाला गया है और आलू भी डाला गया है, वो पानी पानी सा हो जाएगा जो बेलने में प्रॉब्लम करेगा। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इसको तलने के लिए हम अभी कढ़ाई में अब हम कढ़ाई बिठा देते हैं पूरी तलने के लिए। अब गैस ऑन करके कढ़ाई बिठा दिया है और उसमें तेल डालते हैं पूरी तलने के लिए। जब तक तेल गरम हो रहा है हम पूरी बेल लेते हैं। पूरी बनाने के लिए, पूरी बेलने के लिए हम इसमें तेल लगा लेते हैं क्योंकि ना चिपके इसमें पूरी, और इसमें भी थोड़ा सा लगा लेते हैं तेल कि पूरी ना चिपके। अब हम इसी तरह डो लेंगे। अब हम डो ले लेते हैं, इसी साइज में हमने ले रहे पूरी बनाने के लिए। आप चाहे आपके साइज में ले सकते हैं। अब देखिए, हम पूरी बेल रहे हैं। आपके साइज के हिसाब से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए, मैं इतना मोटा वाला ले रही हूँ क्योंकि आलू पूरी है तो थोड़ा सा मोटापन रहेगा उसमें। इसको हम प्लेट में निकाल देते हैं और दूसरा वाला बेल लेते हैं।
देखिए दूसरा वाला भी हमारा तैयार हो गया है। इस तरह हम और सबको बना लेते हैं। देखिए इस तरह मैंने बेल के सारे तैयार कर लिया है। अब इसको तलने के लिए लेते हैं। अब हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम पूरी तलने के लिए ऑयल रेडी है, तो अब हम पूरी उसमें डाल देते हैं। देखिए ध्यान रखिए तेल बहुत गर्म होता है, तो आराम आराम से डालिए और इस तरह उसके ऊपर तेल डालते रहिए कि वो फूल जाए अच्छी तरह से। और एक साइड होने के बाद उसको पलट लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है पूरी का। ये हो चुका है, अब हम इसको निकाल देते हैं। अब दूसरा वाला डाल देते हैं। दूसरा वाला भी उसी तरह हम इसको इस तरह करेंगे जैसे कि वो फूल जाए। इस तरह तेल उसके ऊपर डालते रहिए। देखिए कितना अच्छी तरह से फूल रहा है। अब उसको पलट देते हैं। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। इस तरह हम सारे पूरियाँ तल लेते हैं। देखिए ये थर्ड वाला भी है, ये भी देखिए अच्छी तरह से फूला है और उसका कलर भी बहुत अच्छा है। आप इस तरह पूरी बना के घर में व्रत में खाइए और हेल्दी रहिए। अब देखिए हमारा सारे पूरी हो चुका है, अब इसको हम दही के साथ खाएंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है चटपटा वाला आलू पूरी। आपको ये रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे कि प्रेस करने से मेरा जो भी न्यू वीडियो मैं अपडेट करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।